हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। तो आज है मंगलवार, तो अभी हम लोग जा रहे हैं ददरुआ। सरकार अभी खड़ी है हमारी सामने, गाड़ी पहुंचते हैं गाड़ी में, फिर देखा चलते हैं ददरुआ। सरकार आपको पूरा रास्ता दिखाएंगे क्योंकि जाने आने में आपको आसानी रहे। चलते हैं, गाड़ी बाहर खड़ी है। तब तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलो चलते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों, हम लोग निकल गए हैं ददरुआ सरकार के लिए। तो हम हैं, हमारे साथ बड़े भैया हैं और आंटी जी हैं, चल रहे हैं अभी हम लोग। तो अभी हम लोग यहाँ से इटावा के लिए निकलेंगे, इटावा से फिर वहाँ से आगे के निकलेंगे, क्योंकि ददरुआ सरकार भिंड जिले में है। तो अभी हम लोग घर से निकल लिए हैं, लगभग 7 बजे का सुबह का टाइम है। तो यहाँ से अभी देखो लगभग एक दो घंटे का रास्ता है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, तो बने रहिए मेरे साथ, दिखाते हैं आपको वीडियो। वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, बने रहिए मेरे साथ, चलते हैं, लेट्स गो। यहाँ पे रुका, तो यहाँ पे एक हमें बहुत अच्छी चीज़ लगी, जो मछली घर पे लोग रखते हैं उसे रखने का तरीका भाई बहुत मस्त लगा। देखो आपको दिखाते हैं, आपको भी बहुत शानदार लगेगा। देखो जी, देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है, एकदम पॉट एकदम पूरा कांच से कवर करके, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। और भाई अंदर देखो घर एकदम मस्त से, वो देखो सामने बना है, ये देखो वो बना है, एकदम मस्त प्यारा सा बना हुआ है। इधर देखो मस्त प्यारा सा लग रहा है। तो चाय आई है, ऐसे करते हैं थोड़ा सा फिनिश, उसके बाद फिर चलते हैं वापस। इटावा से चले लगभग काफ़ी देर हो गई, तो यहाँ पे थोड़ी सी गाड़ी वगैरह रोक ली है। तो मैगांव से लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी है, तो अभी मैगांव रुका हुआ हूँ। तो अभी थोड़ी देर में लगभग 20-25 मिनट में पहुँच जाऊँगा ददरुआ सरकार। तो वहाँ मंदिर का पूरा व्यू दिखाऊँगा भाई। अभी थोड़ा सा यार दर्द होने लगा गाड़ी में, तो अभी चल रहे हैं, आप बने रहिए तब तक मेरे साथ, बहुत मज़ा आएगा। ददरुआ सरकार आपको पूरा एकदम मंदिर दिखाएँगे और महाराज जी के दर्शन कराएँगे। तो अभी भाई बैठते हैं गाड़ी में, फिर चलते एकदम। दोस्तों हम लोग आ गए हैं ददरुआ सरकार, गाड़ी देखो पीछे पार्किंग में पार्क हो गई है। पीछे देखो आ रहे हैं हमारे भाई साहब, एकदम टहलते आ रहे हैं हमारे भाई साहब जी। देखो भाई अभी चल रहे हैं, तो गाड़ी पार्क हो गई और सामने देखो इस साइड पीछे जस्ट सामने ये देखो मंदिर का। तो भाई गाड़ी अंदर मेले में नहीं ले जाने देते, तो अभी पहुंच रहे हैं मेले के अंदर, फिर मेले का अंदर का पूरा का व्यू दिखाएंगे।
बने रहिए मेरे साथ, अच्छा लगेगा आपको भी क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ ददरोरा सरकार। भाई बोलते हैं कि जो हनुमान जी हैं वो डॉक्टर के रूप में यहाँ काम करते हैं, लोगों के दुख हरते हैं, इसीलिए इसे जो यहाँ का मंदिर का जो नाम है ददरोरा सरकार जो पड़ा है वो दर्द हरो ऐसे करके गुरुजी का कुछ के द्वारा कुछ शब्द बताए गए हैं। वो अभी गुरुजी से मिलेंगे, थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि क्या कारण रहा है कि जो मंदिर इतना प्रसिद्ध हुआ है, कब नींद हरी गई थी, सारी चीज़ें बताएंगे आपको। बने रही मेरे साथ, चलते हैं मेले के अंदर। दोस्तों यहाँ पे हम सब लोगों ने देखो प्रसाद वगैरह जो देखो ले लिया है, अब चल रहे अंदर मंदिर की ओर। भाई साहब भीड़ भाड़ तो बहुत ज़्यादा है, अभी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, तो अभी चल रहे अंदर मंदिर में। देखो मुख्य द्वार ददरुआ सरकार का मुख्य द्वार, यहाँ से करते हैं प्रवेश। इस तरीके के देखो यहाँ पे बांस वगैरह लगाए हुए ऐसे करके राउंड 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 करके जाते हैं, पर हम ऐसे शॉर्ट से निकल जाते। तो दोस्तों यहाँ पे देखो ददरुआ धाम के जो राउंड वाले जो व्यवस्था की हुई है आप उसमें हम लोग घुस चुके हैं, और यहाँ से लगभग लगभग काफ़ी दूर है, देखो दिखाएं बैक से काफ़ी दूर है भाई, राउंड लगा के जाना पड़ता है यहाँ से।
नासा रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान चालीसा की इन पंक्तियों का सार वैसे तो भारत के अनेकों मंदिरों में देखा जा सकता है, जहां बजरंग बली का नाम लेने और दर्शन मात्र से ही सारे रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार भिंड जिले के ददरहुआ धाम में स्थित हनुमान मंदिर में भी लोग अपनी आस्था से आते हैं और अपनी बीमारियों से मुक्ति पाकर जाते हैं। जिसके बाद धाम एक अद्भुत धाम है, अलौकिक धाम है। ये मूर्ति जो है अलौकिक है, ये इसका प्राकट हुआ था। इस मूर्ति का ये बनवाई नहीं है, ये तो छिपी थी। संवत 1532 में ये यहाँ एक गांव बसा था दोबारा। पहले हमारे यहाँ बोल भक्तलोग रहते थे, उन वहाँ से चले गए। तो हमारे एक ग्वालियर जिले में एक गाँव है रोहरा गांव, वहाँ की हमारी पुरखों की जन्मभूमि है। तो वहाँ से ये अमृत चंद्र सिंह यहाँ आए थे। इन्हें मोजा खरीदा था, तो उस समय कच्चे मकान बनाए जाते थे। तो खुदाई करवाई तो एकदम आवाज़ आई, आकाशवाणी हुई। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, सब लोग देखने लगे आकाश ये आवाज़ कहाँ से आई है। थोड़ी सी और खोदी तो ये मूर्ति निकल आई। तो मूर्ति जो है ये सखी वेश की मूर्ति वहाँ जब रख दी गई स्नान करा के, फिर पूरा गांव इकट्ठा हुआ। बड़ी भारी धूमधाम से फिर मुहूर्त बनवाया। तो मुहूर्त जो अच्छी अक्षत्र तृतीया का ही था, ये कल अक्षत्र तृतीया है। 1532 में अक्षत्र तृतीया हुई मूर्ति प्रतिष्ठा कराई गई थी। जब प्रतिष्ठा कराने के बाद में बड़ा हवन किया गया। हवन के बाद में बहुत बड़ा भंडारा था, बड़ा भारी भंडारा था, पूरे क्षेत्र का भंडारा था। बड़ी धूमधाम से भंडारा हो रहा था। उसी समय एक हमारे भक्त की तबीयत खराब हो गई। ऐसी तबीयत खराब हुई, उसके पेट में दर्द हुआ, ऐसा दर्द हुआ कि मनस्थ स्थिति हो गई। तो सब लोग घबरा गए कि इतनी बड़ी खुशी में ये क्या क्या होने वाला है, ऐसी स्थिति हो गई। तो महात्मा जी वो हमारे जो मिते बाबा थे वो अंदर हनुमान जी के पास गए। प्रतिष्ठा के बाद हाली गए, प्रार्थना की और कुंड से भूत ले करके उस व्यक्ति को जल मिला के पिला दी। जैसे ही वो पिलाई तो एकदम ऐसा हो गया कि जिसको तबीयत कुछ खराबी ना हुई हो, तभी से यहाँ का नाम दर्द हरुआ पड़ गया। जो हनुमान जी का नाम दर्द हरुआ है, उसी दिन से दर्द हरुआ दर्द कहने लगे। दर्द हरुआ दर्द अभ्र शब्द हो गया है। व्याकरण के आधार से ये शब्द दामाने दया दामाने दान, हमारे हनुमान जी दयालु और दानी हैं। दयालु ऐसे हैं कि और देवता चिंतन धरें हनुमत से सर्व सुख करें, और देवता जाने तो हनुमान जी बहुत जल्दी ध्यान रखते हैं भक्तों, ये बहुत बड़े दयालु हैं। और दामन दानी हैं, दानी ऐसे हैं अष्ट उनके दाता हैं। ये दाता हैं, ये स्वामी नहीं हैं, दाता हैं दान देने के। हमेशा देते ही रहते हैं, इनके पास चले जाएँ कोई तो ये किसी को विमुख नहीं भेजते हैं। इसलिए ये दयालु हैं, दानी हैं। और अउआ ये शब्द है वो बुलाने के अर्थ में है, नदर अउआ अउआ बुलाने के अर्थ में। तो बुला बुला करके हमारे हनुमान जी यहाँ दयादान बांट रहे हैं। यहाँ एक कहावत है, तुत्त दान महाकल्याण नौ नहन तेरा धार, तत्काल फल। तो ये हनुमान जी उस दिन से आद्य वैद्य डॉक्टर तो पहले से उठे। यहाँ जो देवताओं के वेद अश्विनी कुमार स्थायी रूप से रहते हैं, कोई बीमारी हो चाहे हैं।
ये प्रधान चक्र है, आज्ञा चक्र जो दो भवे के बीच में है नासिका के ऊपर, यहाँ भभूत लगाने से सिर दर्द ठीक हो जाता है। तो यहाँ की भभूत का देखा है कमाल है, जिसने खाई हुआ माला माल है, बुद्धि के मालवण करती है, विद्या के मालवण करती है, और धन के मालवण करती है, और स्वास्थ्य के मालवण करती है, ये यहाँ की विशेषता है। तो यहाँ के हनुमान जी वास्तव में ही पूरे भारतवर्ष की हो, कहीं सही की हो, हार्ट की बीमारी हो, चाहे बीपी है, ज्ञानवान है, ज्ञान ज्ञान बीमारी हो, चाहे कोरोना हो, ये संस्कृत के विशेष ज्ञान हमारे हनुमान जी तत्काल भैया करना चाह रहे हैं। आवत है व्याकरण बोला है, रोग उसी आधार से हो जाए, कैसा भी रोग या ठीक होता है। वेद यहाँ की भगवती का विद्यालय चमक आया था, हमारे गुरु महाराज की भगवती गुरु महाराज शरीर में दर्द हो तो कड़ी का चक्र बन गया है, सब रोग से बन गया है। आगे जगह से यहाँ से अच्छी अच्छी लड़की भागवताचार यहाँ से व्याकरणाचार और जो सर निकाले हैं हमारे राम ने सन 1991 में या केंद्र कराया था, पूरी लोकसभा का केंद्र यहाँ रहता था, सारे विद्यालय इतने भी हैं दतिया भिंड में सबकी पर यही होती थी। या हमने 90 से 91 से केंद्र किया था, उस समय हमारे स्वास्थ्य मंत्री हमारे स्वतंत्र प्रभार राजेंद्र प्रकाश सिंह थे, उस समय उनने यहाँ के सहयोग करके केंद्र करवाया था। विद्यालय की स्थिति बहुत अच्छी चल रही है, और यहाँ जो है 2005 तक बराबर केंद्र कई लोगों को आचार बना के यहाँ से निकाला। तो दोस्तों अभी हम लोग मंदिर के अंदर दर्शन कर चुके हैं, आप इधर हवन वगैरह होते हैं, कितनी मेहनत से हुए दर्शन? भाई बहुत मेहनत लगी अंदर, बहुत धक्का मुक्की बहुत ज्यादा हो रही थी भाई, तो दर्शन वगैरह कर लिए, अभी और थोड़ा मेला वगैरह घूमते हैं फिर चलते हैं वापस गाड़ी में। और भाई पीला इन लोगों ने करा लिया, हम भी देखो लगवाते हैं एकदम बंधन वगैरह। दर्शन वगैरह दोस्तों कर लिए, आपका देखेंगे मेला पूरा घूमेंगे, भाई धूप होगी थोड़ी सी ज़्यादा, और उसके बाद गाड़ी निकालेंगे चलेंगे घर। अभी देखते हैं मेला, भाई धूप बहुत ज़्यादा है, पैर जल रहे बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों अब हम लोग गाड़ी निकाल रहे हैं पार्किंग से, ये देखो पूरी बहुत सारी अभी गाड़ियाँ लगी हैं, तो यहाँ से निकाल रहे हैं अभी और चल रहे हैं अब वापस हम लोग, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत पसीना निकल रहा है यार। तो अभी निकल रहे हैं, गाड़ी निकाल रहे हैं अपनी, फिर चल रहे हैं एकदम। हुआ नहीं नहीं यहाँ जाकर 3 बजे तक आ जाए। अच्छा नहीं नहीं आ जाए, अच्छा बुकिंग पे ले आओ ये ब्रेक। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं अभी घर पे, तो ब्लॉग को करते हैं एंड। कैसा लगा आपको ब्लॉग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।